नमस्कार, आज हमारे साथ हैं मिस्टर धर्मधर त्रिपाठी, सीईओ एमडी ऑफ बिजनेस करेस्पोंडेंट रिसोर्स काउंसिल बीसीआरसी। और ये दिल्ली बेस्ड ऑफिस है। ये इट इज़ ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली काइंड ऑफ रेगुलेटिव बॉडी जितने भी देश में आजकल जो बैंक मित्र है उनका पर ये काम कर रहे हैं, और क्या क्या उनके पास आम लोगों के लिए, आम कस्टमर के लिए क्या क्या पैकेजेस है, किस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं, क्या क्या उनसे उनको जैसे कि बैंकिंग लिटरेसी के ऊपर क्या क्या समझाते हैं, उसके बारे जानते हैं। नमस्कार त्रिपाठी जी, और बताइए किस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्या क्या। धन्यवाद पत्रसन जी। जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बीसी बिजनेस करेस्पोंडेंट एंड वर्क बैंक मित्र बैंक मित्र का ऊपर काम कर रहे हैं। देश में 12 लाख कस्टमर सर्विस पॉइंट बैंक मित्र पॉइंट है, और लोग गांव में जाकर फाइनेंशियल जो सर्विसेज है आर्थिक सेवा प्रदान करते हैं। अकाउंट खोलना, डिपॉजिट कोई रखना चाहते हैं, अकाउंट खोलना चाहते हैं, कोई रेमिटेंस करना चाहते हैं, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो हो रहा है, पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, वो भी सेल करके जो डिफिकल्ट सेंटर है, जो पुअर पीपुल है, वल्नरेबल क्लास ऑफ पीपुल, जहाँ जो लोग को मदद चाहिए गांव में, वही सेवा, फाइनेंशियल सेवा, बैंकिंग सेवा पहुँचाते हैं बहुत डिफिकल्टी से। उन लोग का देखभाल करना, पॉलिसी ट्रेनिंग देना, रिसर्च करना वो लाइन में, गवर्नमेंट का साथ कोलाबोरेट करना ये फील्ड में, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आर्थिक का लोग को सब साथ में लेकर चलना है, उन लोग का देखभाल करना, उनको शिक्षित करना हमारा ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक लक्ष्य है। और जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, वो जो आर्थिक साक्षरता एक चीज़ है, वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हम लोग सोचते हैं गांव में हो, शहर में हो, जहाँ इलिटरेट आदमी कुछ काम भी करते हैं, सपोर्ट स्टाफ भी हो, गांव में खेती जो करते हैं, कोई डेली लेबरर भी है, फैक्ट्री में काम करते हैं, टी गार्डन में भी काम करते हैं, रास्ता कंस्ट्रक्शन वर्कर भी है, उन लोग को इतना जानकारी नहीं रहता। खाली फाइनेंशियल साक्षरता जो लिटरेसी होते हैं, आर्थिक लिटरेसी होते हैं, सोचते हैं जो बैंक में एक खाता खोलने में हम आर्थिक फाइनेंशियल लिटरेट हो गए, बट ये चीज़ फाइनेंशियल जो लिटरेसी एक व्यापक शब्द है, बड़ा कंसेप्ट है। फाइनेंशियली लिटरेसी होते हैं कोई देश का, कोई भी देश जो डेवलप नेशन है, विकसित देश है, उन लोग के जितना आदमी फाइनेंशियल लिटरेट होंगे, उन लोग का आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करेंगे, जीडीपी बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। बट ये चीज हमारा देश में 70% लोग गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, कृषि में ज़्यादा जीविका निर्वाह करते हैं, कृषि ऊपर निर्भर करके, उन लोग को ये सहायता करने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी का ऊपर जानकारी देने के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी, सपोज आप पर डे 300 रुपया कमाई करते हैं मंथली, आप एक खेती मजदूर है, 9000 रुपया खर्च करते हैं, मेरा इनकम है 9000 रुपया, मैं सपोज 10000 रुपया खर्च करूँ पर मंथ, 10000 रुपया खर्च यदि करूँगा, मेरा इनकम 9000 रुपया है, सर ऑटोमेटिक मेरा जो
इनकम से मेरा खर्च ज़्यादा हो गया है 1000 रुपया, सो मैं मेरा डेप्ट हो गया, मेरा कर्ज हो गया, मेरा धार हो गया, सो इसलिए हमको देखना चाहिए जो मैं मेरा जो कमाई 9000 रुपया है, मैं खेती करके खेती मजदूर काम करके 9000 रुपया कमाई करता हूँ, मेरा कितना स्पेंडिंग रहेगा, मेरा कितना सेविंग्स रहेगा, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, मेरा फ्यूचर के लिए, मेरा भविष्य के लिए कितना संचय में करूँगा, मेरा लाइफ बीमा हो वा पेंशन हो, ये सब फंड करने के लिए टोटल जो अंडरस्टैंडिंग टोटल दो नॉलेज को हमारा जो हम जो डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल बारे में, घर घर में घर को चलाने के लिए, बेटी बेटा को पढ़ाने के लिए, बा जो उन लोग का हेल्थ देखभाल करने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं, वो को समझ करके वो जो स्किल है डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल फाइनेंशियल स्किल का प्रयोग करना डेली लाइफ में, वो फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बड़ा स्कोप है। सो इसलिए जो चीज़ है फाइनेंशियल लिटरेसी सबका, जो भी हो, जो एजुकेटेड आदमी हो वा गांव में खेती करते हैं, सबका नॉलेज होना चाहिए वो आर्थिक साक्षरता का ऊपर। ये जो हमारा जो नैरो हम सोचते हैं ये फाइनेंशियल लिटरेसी, मेरा अकाउंट खोल दिया बैंक में, मैं 5 लाख 2 लाख कि 50,000 रुपया रख दिया, मैं पूरा फाइनेंशियल लिटरेट हो गया, आर्थिक साक्षर हो गया, वो ऐसे बात नहीं है। सो इसलिए गांव में हो, जहाँ भी शहर में हो, जहाँ में भी इवन सैलरी क्लास पीपल भी हो, लेडीज हो, स्टूडेंट हो, वर्कर्स हो, सबको ये जानकारी होना चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। और ये आपके आप भी मेंबर हैं जो कि अभी मॉनिटरिंग कमेटी एक बना हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री से आपके भी इंक्लूड किए हैं, क्या एक्चुअली उसका क्या रोल रहेगा इस लाइन में? एक्चुअली गवर्नमेंट का जो अभी जो हमारा DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाए हुए हैं, बिकॉज जो बिजनेस करेस्पोंडेंट है इंडिया में गांव क्षेत्र में डिफिकल्ट सेंटर में, हिली रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आइलैंड में, इवन डेजर्ट एरिया में, जहाँ भी नक्सलाइट इन्फेस्टेड रीजन में भी है, सेवा प्रदान करते हैं, वो लोग का बहुत समस्या रहते हैं ऑपरेशन में, वो लोग का इनकम में, कमीशन स्ट्रक्चर में, और जो प्रावधान है वो लोग का जो एग्रीमेंट है, पेनाल्टी है, ये सब लॉट ऑफ इशू रहते हैं। एक्चुअली ये इशू को समझ करके कुछ दिग्दर्शन देगा, कोई मार्गदर्शन देगा गवर्नमेंट का DFS का प्रयास रहा है, इसलिए DFS बहुत काम ये लाइन में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भारत सरकार का। वही एक मॉनिटरिंग कमेटी फॉर्म किए, मॉनिटरिंग कमेटी का जो ये बीसी लोग बीसी बिजनेस करेस्पोंडेंट का जो समस्या है, जो इश्यूज है, जो चैलेंजेस है, उन लोग का कैसे वायबिलिटी बढ़ेगा, सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगा, देश में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेस में काम हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स गवर्नमेंट ले रहे, उनको कैसे गांव में पहुंचाना, अच्छा पेनिट्रेशन होगा वही लाइन में, सो गवर्नमेंट का लक्ष्य रख रहा है। इसलिए वही बिजनेस करेस्पोंडेंट का समस्या को समझ करके उसका इशू का उसका प्रॉब्लम का वो सॉर्ट आउट करना, इसलिए मॉनिटरिंग कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वित्त मंत्रालय बनाए। इसमें सब बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर्स है, इंडियन बैंक एसोसिएशन मेंबर्स है, देन बिजनेस करेस्पोंडेंट रिसोर्स काउंसिल और BC फेडरेशन भी मेंबर है। सो हम लोग ये लोग बनाए, सब कमेटी बनाए वो कमीशन स्ट्रक्चर के स्टडी करने के लिए, और जो BC जो सेवा प्रदान कर रहा है और ज़्यादा स्कीम कौन सा ये सेवा में इंक्लूड होगा, सो दैट उन लोग का जो कमाई बढ़ेगा और देश का भी डेवलपमेंट होगा, ये लाइन में भी काम करने के लिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट कैसे BC सर्विस में आएगा, वो भी कमेटी का एक लक्ष्य है। इसलिए कमेटी सब कमेटी बनाए, और जो बिजनेस करेस्पोंडेंट और जो बैंक मित्र है कस्टमर सर्विस पॉइंट, वो लोग का कैसे ट्रेनिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, मार्केट में क्या हो रहा है, दूसरा देश में क्या हो रहा है, और हम लोग कौन सा क्षेत्र में पीछे रह गए, वो लोग को गैप को फिलअप करना, उन लोग के पास ज्ञान को पहुँचाना, और वो लोग को ऑपरेशन एरिया, रिस्क एरिया, कंप्लायंस एरिया में जानकारी देना, वो एक ट्रेनिंग का पार्ट बनता है। सो इसलिए मॉनिटरिंग कमेटी ट्रेनिंग के लिए भी नाबार्ड का अधीन में एक बनाया, वो जो स्टडी करेंगे और क्या क्या करिकुलम आना चाहिए, इसलिए वो मॉनिटरिंग कमेटी का BC का मेन चीज़ है, BC का जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए, उसका एक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाया गवर्नमेंट। फ्यूचर में क्या इतना कितना एक्सपेंशन बाकी है
और किस तरह से वो 100% ये फाइनेंशियल जो बैंकिंग लिटरेसी लोगों के पास पहुंचे। एक्चुअली फाइनेंशियल लिटरेसी अभी बैंक सब फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी कर रहा है और बैंक के माध्यम में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट भी कर रहा है, बट ये एक बड़ा एरिया है जहाँ जो एरिया में सबको ध्यान देना चाहिए। इंडिया बहुत एक बड़ा देश है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है, गाँव में 70% पीपल आर स्टेइंग इन रूरल एरियाज विलेजेस में, और जो फाइनेंशियल लिटरेसी टू कवर पीपुल और जानकारी देने, नॉलेज बढ़ाना, डेवलपमेंट करना, फाइनेंशियल अवेयरनेस एक बड़ा संकल्प है, बड़ा जमींदारी सबका ऊपर है। सो कोई क्षेत्र में कोई बैंक का ऊपर छोड़ देने क्या बिजनेस कर का ऊपर छोड़ देंगे फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं हो पाएगा। हमारा जो इंडेक्स है फाइनेंशियल लिटरेसी में और इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, हम अभी तक नहीं कर पाए। सो इसलिए ये फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सब ऑर्गेनाइजेशन, बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, और जो बिजनेस करेस्पोंडेंट हो, गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सबको एक बड़ा जोरदार प्रयास करना चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। हमारा जो नैरो अप्रोच है, जे हम अकाउंट खोल दिया, जो अडल्ट सब अकाउंट खोल दिए तो फाइनेंशियल लिटरेट हो गए, बट वो थोड़ा हट करके हम दूसरा उन लोग का सेविंग्स, उन लोग का अर्निंग्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, और का फ्यूचर प्लान फॉर इंश्योरेंस, पेंशन, और कोई जो प्रोडक्टिव एसेट लोन प्रोडक्ट लेकर वो अपना लिवलीहुड को कैसे बढ़ाएंगे, अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे, कोई क्षेत्र में जो जो स्किल्ड वर्कर हो बा स्किल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल अवेलेबल है, वो लोग बैंक से जो छोटा लोन लेकर भी, इवन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो, रिक्शा हो, ऑटो रिक्शा हो, मुद्रा लोन बा स्टार्टअप इंडिया, ये सब लोन लेकर भी कैसे बढ़ाएंगे अपना जो हाँ बिजनेस बढ़ाएंगे बा वेलफेयर होगा और प्रोडक्टिविटी आएगा, सो ऑटोमेटिक देश का जीडीपी में ग्रोथ करेगा और इनकम भी बढ़ेगा, और भी सबका जो सपोज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सब वही जो फंड भी अवेलेबल होगा कंट्री का, देश का भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जीडीपी का ग्रोथ भी अच्छा होगा। एक्चुअली हम लोग एक सुधार दिए हैं, बिकॉज जो बिजनेस करेस्पोंडेंट वो जो कोविड महामारी टाइम में, बिकॉज जितना गवर्नमेंट का भी जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो प्रोग्राम हुआ, बिजनेस करेस्पोंडेंट 90% केस में वो पूरा गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, जहां बैंक का भी बहुत डिफिकल्टी था वही टाइम में, गांव में सब जगह में आप देखेंगे, शहर में, पहाड़ में, सब जाकर देकर, इवन मोबाइल और लैपटॉप लेकर भी बिजनेस करेस्पोंडेंट जो कस्टमर सर्विस पॉइंट बा जो बैंक मित्र जाकर भी गांव में लाइफ को रिस्क लेकर भी कोविड महामारी टाइम में सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान किया, जो वर्कर्स थे, जो माइग्रेंट लेबरर्स अपना गांव भी चले गए वो लोग का पास पहुंचा, और जो लेन देन भी किया, पैसा भी दिया, जिसका अकाउंट से पैसा निकल करके दिया। सो दिस इज देयर, हम लोग भी ये चिट्ठी गवर्नमेंट को भी अवगत कराया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी अवगत कराया, वो भी सराहना किए थे बीसी का काम को। और जो अभी बड़ा मुद्दा है जो बीसी का जो कमीशन स्ट्रक्चर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव सोच आना चाहिए, बिकॉज बैंक भी सेविंग करते हैं, बिकॉज ये सर्विस यदि बैंक ब्रांच में होता था इट वुड हैव बीन कॉस्टली फॉर द बैंक, बट नाउ थ्रू ए लो कॉस्ट मॉडल बिजनेस करेस्पोंडेंट व्हेन वी आर रीचिंग टू द पुअर पीपुल। सो